नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नोटबंदी के 70 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने किया देश भर में प्रदर्शन। आरबीआई दफ्तरों का किया घेराव। कांग्रेस का आरबीआई पर हमला, कहा अपनी स्वायत्तता खोकर सरकार का रबर स्टाम्प बन चुका है रिजर्व बैंक। संसदीय समिति के सामने पेश हुए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, लेकिन समिति के सवालों का नहीं दे पाए जवाब। समिति ने पूछा था कितने दिनों में स्थिति होगी सामान्य। तमिलनाडु के लोकप्रिय खेल जलीकट्टू के समर्थन में राज्य भर में प्रदर्शन। सड़क पर उतरा जन सैलाब। हालातों के मद्देनजर राज्य सरकार कल राष्ट्रपति से कर सकती है मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में लगाया था जलीकट्टू पर रोक। फिल्म अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत। 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में जोधपुर सेशंस कोर्ट ने किया बरी। फैसले से सलमान के फैंस और परिजनों में खुशी, लेकिन बिश्नोई समाज ने हाईकोर्ट जाने का किया फैसला। बेटे रोहित के साथ बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद सदस्यता की ग्रहण। रोहित को उत्तराखंड की हल्द्वानी सीट से चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी। और चीन पाक आर्थिक गलियारे को लेकर चीन को भारत की दो टूक। भारत ने प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करने की दी नसीहत। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा भारत की संवेदनशीलता को समझे चीन। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।